आज हम लोग पढ़ेंगे नाजा के बारे में. Who introduced the नाजा ट्रिपुडियस? It is Dr. Shee Herring. It is a cobra snake. It prepared from cobra virus. Elapidae family का है. ये स्नेक बरसात में बहुत डरता है, वर्षा से बहुत डरता है, पानी का बरसात से. ये हमेशा इसका मेंटल जनरल रहता है, सुसाइडल इंसेंसिव ब्रूट्स कॉन्स्टेंटली ओवर इमेजिनरी ट्रबल्स. हमेशा सोचते रहेगा, इमेजिनरी थिंकिंग से रहेगा और सुसाइड करने की टेंडेंसी रहेगी. पूरा पागलपन रहेगा आत्मघात करने के लिए, अपने आप को मारता पीटता भी रहेगा. कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सिंपल हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट. देखो ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है. हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट मतलब हार्ट में स्वेलिंग हो जाना कॉमन थिंग है. फॉर रेस्टोरिंग ए हार्ट डैमेज बाय एक्यूट इन्फ्लेमेशन. नाजा जनरली हार्ट के लिए ही है, लेकिन ये पेशेंट हम लोग के पास मिलता नहीं है क्योंकि पेशेंट तो कार्डियक के पास चला जाता है. अगर कोई गरीब पेशेंट हमारे पास आ गया मिला देन हम लोग को ट्रीटमेंट करने का अवसर मिल जाता है. फॉर रेस्टोरिंग हार्ट डैमेज बाय एक्यूट इन्फ्लेमेशन और फ्रॉम रिलीफ फ्रॉम सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक हाइपरट्रॉफी एंड वाल्वुलर लीजन. वाल्वुलर लीजन कोई भी वाल्व अगर डिफेक्ट है और किसी वजह से इन्फेक्टेड है देन यू कैन गो. लेकिन हम जानेंगे कैसे, हमको कार्डियोलॉजिस्ट का ही हेल्प लेना पड़ता है. इंडिकेटिंग लाइफ सिंपैथेटिक कफ इन दिस एक्यूट स्टेज ऑफ रिमेटिक क्यूरिटाइटिस क्रॉनिक ऑर्गेनिक लीजन. रिमेटिक कार्डाइटिस या क्रॉनिक अल्सरेशन और बर्निंग पैदा करने वाला ड्राई कफ. सिटेंडेंट पैरालिसिस ऑफ द हार्ट पोस्ट डिप्थेरिक. पैरालिसिस ऑफ द हार्ट अगर है, पैरालिसिस करने वाला अगर हार्ट का पेशेंट मिल रहा है देन थिंक द नाजा ट्रिपुडियस. पल्स इरेगुलर इन फोर्स. देखो इसको समझना है, पल्स अपने दे रहे हैं इरेगुलर इन फोर्स, ठीक है, बट रेगुलर इन रिदम. ठीक टाइम से धक धक ठीक करेगा लेकिन फोर्स इरेगुलर रहेगा. एक बार धक मारेगा फिर छोटा कम हो जाएगा, फिर ज्यादा मारेगा कम हो जाएगा. समझ गए इसका पहचानने का तरीका है. पल्स इज इरेगुलर इन फोर्स बट रेगुलर इन रिदम. इनएबिलिटी टू स्पीक विथ चॉकिंग. नर्वस क्रॉनिक पल्पिटेशन स्पेशली आफ्टर पब्लिक स्पीकिंग पेन एग्रावेशन बाय कैरेज राइडिंग ऑफ द टाइगर. जल्दी देखो कोई भाषण दे रहा है और सडनली उसको अटैक आ जाता है. एक दो केसेस अभी बीच में हुए हैं कि भाषण दे रहा है चाहे मीटिंग में है और उसके बाद में अटैक आ जाता है. दैट इज नाजा. इनएबिलिटी टू स्पीक विथ चॉकिंग. गला चौक हो जाएगा, बात करने में प्रॉब्लम आएगी. जब वो कहीं पर गाड़ी में बैठ के जा रहा है या लेट रहा है उससे प्रॉब्लम आगे बढ़ता है. दैट इज नाजा. सीवियर स्टिचिंग पेन इन रीजन ऑफ हार्ट. सुई जैसा चुभने वाला बहुत हेवी दर्द. तो प्रारंभिक या लक्षण से आप पूरा आप नाजा तक पहुंच सकते हो. अगर बहुत ज्यादा स्टिच सुई छेदने जैसा दर्द हो रहा है तो देन यू गो फॉर नाजा. कंपेयर आर्सेनिक कैक्टस क्रोटेलोसोरिडस लेकेसिस एंड मैगोरिया एंड स्पाइनोरिया. व्हाट आर द चीप एप्लीकेशंस. नाजा को कहां पर यूज किया जाएगा. इन वेल्वुलर डिजीज ऑफ द हार्ट विद ए ड्राई टीजिंग कफ. कार्डियक कफ भी बोला जाता है जिससे कि कफ विद हार्ट डिजीज और हार्ट विद कफ डिजीज. जब वाल्वुलर डिजीज है उसके वाल्व में कोई प्रॉब्लम है, उसके साथ खांसी हो रहा है और इसके बाद में अगर लेफ्ट एवरी में कॉजिंग पेन दे रही है ड्यूरिंग दी कॉफ,
खांसी के समय में लेफ्ट साइड में अगर ओवरी में दर्द हो रहा है देन ऑल्सो यू कैन थिंक द नाजा। बहुत सिंपल है, इसको याद करना। इसको सबसे बढ़िया याद करने का फियर ऑफ रैन, फियर ऑफ रैन, एंजाइना विथ पेन टू नेक टू नेक, एंजाइना विथ पेन टू नेक, ब्रैडीकार्डिया अप टू 45, स्लो पल्स रहेगा और अप टू 45 बीट पर मिनट रहेगा, suicidal insanity, damage heart by infectious disease, bradycardia, pulse irregular in force, ठीक है? Okay. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join.